हेलो गाइस, वेलकम बैक। सिविल मेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स फॉर वॉल टाइल। ये हमारी फ्लोर टाइल लग गई है, इसके बारे में पॉइंट्स भी मैंने बता दिए थे। अब हमारी बारी है वॉल टाइल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जो हमारा ब्रिक वर्क हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करके एंड उसको सरफेस को वेट करना चाहिए। अगर हमारा बाथरूम या किचन है तो हमें वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए। एंड अगर हमारा ऑफिस है तो उस पर हमें ऐसे ही प्लास्टर करके उसके ऊपर अलाइनमेंट चेक करना चाहिए कि हमारे वॉल का अलाइनमेंट सही है या नहीं है। अलाइनमेंट जो चेक होगा वो हमें वर्टिकल चेक करना और हॉरिजॉन्टल चेक करना है टाइल्स के लिए। जैसे अब ये टाइल लग रही हैं तो ये स्ट्रेट जा रही है नहीं जा रही, तो उसके लिए चेक करना होगा। तो हमें यहाँ से भी देखना होता है कि हमारा फ्लोर का अलाइनमेंट सही है। अब हमारा फ्लोर का अलाइनमेंट सही है तो हमें हॉरिजॉन्टल चेक करने की नीड नहीं है, पर हमने फिर भी एक बार चेक किया था और हमें हॉरिजॉन्टल भी चेक करना है। हॉरिजॉन्टल चेक हो चुका है और हमें वर्टिकल भी चेक करना है। और उसके बाद हमें पेस्ट प्रिपेयर करना है, चिपचिपा सा पेस्ट प्रिपेयर करना है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था चिपचिपा पेस्ट लगा था, और उसको चिपचिपा पेस्ट टाइल के ऊपर लगा कर टाइल को वॉल के साथ अटैच कर देना है और टैप करना है हमें वुडन ब्लॉक से। एंड वुडन ब्लॉक नहीं है हमारे पास तो एक हैमर आता है, इसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक लगा होता है, इससे भी आप टैप कर सकते हैं। एंड सब कुछ होने के बाद आपको स्पॉटर का भी यूज़ करना है, क्योंकि हम इसके अंदर ग्राउटिंग करवाएंगे या ऑपॉक्सी करवाएंगे। एंड जो हमने नीचे जो थिकनेस ली है उसके लिए हमने जो हमारी झाड़ू होती है उसको यूज़ किया है, और स्पॉटर पहले उसको यूज़ करके फिर स्पॉटर पे अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। तो स्पॉटर अप्लाई करने से हमारा 4 mm का स्पेस बन जाता है, जो हम पहले ये यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ किया है ताकि जब हमारा हम लगाने से पहले चेक करते हैं अलाइनमेंट को। और जो इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे सीमेंट का वो 5 to 7 mm होना चाहिए। जो यहाँ पे आप देखते हैं स्पेसिंग जो क्रिएट हुई है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारी 5 to 7 mm है, 1 cm से नीचे है। तो आपको पता ही है 1 cm में 10 mm होता है। एंड ये सब करने के बाद आपको सीमेंट इसके अंदर अप्लाई कर देनी है ऊपर ऊपर। ये हमें सीमेंट अप्लाई कर दी अंदर, अच्छे से फिलिंग कर दी है सीमेंट की, बिकॉज इसके अंदर भी सीमेंट का ही पेस्ट होता है। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सही नहीं है, तो अब हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है अब सही आया है। सो अब इसको प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। ये हमारा सीमेंट पेस्ट हो गया, ये चिपचिपा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देख रहे हो लगाते हुए उनको जो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चिपचिपा पेस्ट है। अब इस पेस्ट को अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये प्लास्टर के ऊपर इसको अच्छे से टैप करके फिक्स कर देंगे। अब हमने सीमेंट पेस्ट अप्लाई कर दिया है, उसको अप्लाई करने के बाद ये हमने अच्छे से सपोर्टर पर रख के इसको फिक्स कर दिया एंड बाय हैंड एंड बाय वुड ब्लॉक हम इसको टैप करके
अच्छे से फिक्स कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हर जगह से चेक किया जाएगा, टाइल की लेवलिंग पूरे अच्छे से चेक करेंगे हम, बिकॉज अगर एक अलाइनमेंट हमारा रॉन्ग हो गया तो जो ऊपर वॉल पे टाइल लगेगी वो भी हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट फेस करनी पड़ेगी। और इसके बाद सपोर्टर लगा दो, सॉरी स्पेसर लगा दो, स्पेसर होता है, बाय मिस्टेक सपोर्टर बोल दिया मैंने। अभी ये देखो, ये थोड़ा हमारा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ये रॉन्ग है, तो इसको